सर ये स्पेंसर रोटरी माइक्रोटोम है, ये अभी 0 माइक्रोन पे हैगा, ये 0 माइक्रोन पे है, इसका स्केल है। और यहाँ से पहले इसका व्हील का लॉक खोलते हैं, इसको ऐसे पुल करके फिर ये चलता है। अभी ये 0 माइक्रोन पे चल रहा है तो ये हिल नहीं रहा है, स्केल ये इसका मैकेनिज्म अभी हिल नहीं रहा है, अभी ये 0 माइक्रोन पे हैगा। और इसमें यहाँ से लुब्रिकेशन करते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये 2 पॉइंट ये बना हुआ है, यहाँ पर ऑयल डालने के लिए हैगा। ये इसका एक्सल है, ये इसका गियर है, ये 250 है, इसमें टीथ 250 टीथ है, इसमें 125 है। तो इसमें जो 250 टीथ है इसमें अगर हम 5 माइक्रोन पे करेंगे तो ये 50 का राउंड लेगा, ये 50 का राउंड लेगा, ये पूरा राउंड ऐसे लेके 50 पे यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा पीस एकदम एक्यूरेट है। ये 250 टीथ है इसमें, तो अब हम इसमें से 5 माइक्रोन पे करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 माइक्रोन पे आ गए हैं, ये यहाँ से 5 माइक्रोन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ से करेंगे इसको रोटेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 में बिल्कुल सीधा आ गया, तो मतलब हमारा हाफ माइक्रोटोम तो ठीक है, 50 में बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, तो मतलब एक्यूरेट है। 30 35 36 37 38 39 40 41 45 44 45 46 47 48 49। सर ये पूरा एक्यूरेट स्ट्रेट हो गया, 90 डिग्री में हो गया, तो हमारा 50 माइक्रोन पे हमारा माइक्रोन बिल्कुल ठीक है। ये आगे से 5 माइक्रोन पे है, 250 की इसका गियर है, 50 बार वो घूमा है, राउंड लिया 5-5 करके उसने, डॉग ने 5-5 करके डॉग अपना वो स्टेप चका है, तो ये पूरा राउंड लेके हो गया है, तो ये 50 माइक्रोन कटा है। तो सर ये इंस्टॉलेशन है इसके माइक्रोटोम की। ये अगर यहाँ से हम फॉरवर्ड करें तो ये यहाँ पर टच हो जाएगा, आगे कर लो। अगर ये इसके साथ टच हो गया तो लॉक हो जाएगा, यहाँ से मूव करने पर उठेगा नहीं, तो इसको वापस रिवर्स करना है, ये जो स्क्वेयर पीस है इसको रिवर्स करके यहाँ लाना है, फिर चलेगा। और ये लॉक इसका अनलॉक यहाँ से होएगा, ये पुल करना है तो ये अनलॉक हो गया।